हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द डायग्राम शोज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम ए टू सी। सो ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, डीएनए ए, एमआरएनए बी, प्रोटीन प्रपोज्ड बाय एम सी। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए इज ट्रांसलेशन, बी इज एक्सटेंशन, सी इज रोजालिंड फ्रैंकलिन। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है ए इज ट्रांसक्रिप्शन, बी इज रेप्लीकेशन, सी इज जेम्स वॉटसन। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ए इज ट्रांसलेशन, बी इज ट्रांसक्रिप्शन, सी इज अरविंद चारगफ। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ए इज ट्रांसक्रिप्शन, बी इज ट्रांसलेशन एंड सी इज फ्रांसिस क्रिक। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सेंट्रल डॉगमा। सो सेंट्रल डॉगमा जो है दिस वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। एंड सेंट्रल डॉगमा ये कहता है कि जो डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन्स। सो डीएनए से एमआरएनए के प्रोसेस को बोलते हैं, बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से वापस जब डीएनए बनता है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। एंड एमआरएनए से प्रोटीन्स बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो डीएनए से एमआरएनए को एमआरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो ये और ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड, एमआरएनए से प्रोटीन बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन, तो रेप्लिकेशन ये नहीं होगा, ये गलत है। सो ट्रांसलेशन। एंड सी, इट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। सो फ्रांसिस क्रिक। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।